भारतीय बौद्ध महासभा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन महोत्सव भव्य मिरवणूक व धम्म मेळावा शुक्रवार दिनांक 19 ऑक्टोबर 2018 संध्याकाळी ठीक 6 वाजता स्थळ क्रिकेट क्लब मैदान रेल्वे स्टेशन रोड अकोला. बाबासाहेबांनी 14 ऑक्टोबर 1956 साली धर्मांतराच्या रूपाने केलेली धार्मिक क्रांती जागतिक इतिहासात अद्वितीय स्वरूपाची आहे. केवळ अर्ध्या घंट्यात 5 लक्ष अनुयायांना दीक्षा देण्याचा विक्रम अजून तरी कोणी मोडलेला नाही. जगामध्ये झालेल्या फ्रेंच राज्यक्रांती आणि रशियन राज्यक्रांतीपेक्षा या धार्मिक क्रांतीचे महत्व वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. नागपूरचे सारे रस्ते गुरुवार सकाळपासूनच दीक्षाभूमीकडे वाहत होते. समतेचा प्रकाश ज्यांनी दिला त्या बाबांवरील अढळ श्रद्धेने जनांचा प्रवाह चालत लोक मिरवणुकीने वाजत गाजत दीक्षाभूमीकडे येत होते. ओठी डॉक्टर आंबेडकरांचा गजर होता. दीक्षाभूमीवर उसळलेल्या समतेच्या लाटांनी माणुसकीचा प्रदेश सुपीक केला. देशातील प्रत्येक राज्यातून बौद्ध बांधवांनी दीक्षाभूमीवर लाखोंच्या संख्येने हजेरी लावली आणि वंदन केले. या प्रसंगी असंख्य लोकांनी पूजनीय भिक्खू संघांकडून बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. नागपुरातील व देशातील विविध सामाजिक संघटनांनी दीक्षाभूमीवर येणाऱ्या असंख्य बौद्ध बांधवांना सर्व प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करून दिल्या. दीक्षाभूमीवर दरवर्षी या प्रसंगी मोठ्या प्रमाणात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या पुस्तकांचे प्रदर्शनी लावण्यात येतात. बौद्ध बांधव मोठ्या प्रमाणात पुस्तके खरेदी करतात. सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे दीक्षाभूमी येथे वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली. पोलीस प्रशासनाकडून सुरक्षा व्यवस्था उत्तम प्रकारे पार पाडण्यात आली. समता सैनिक दलाने सुद्धा आपली भूमिका उत्तम प्रकारे पार पाडली. बौद्ध बांधव पवित्र दीक्षाभूमीवरून एक नवीन प्रेरणा घेऊन परतीला लागले. महावाईस्कर्ता नागपूरवरून शरद नागदेवे. दीक्षाभूमी जो भारत की मध्य भाग में है, जिसे हम नागपुर के नाम से जानते हैं, इस नागपुर में दीक्षाभूमि है. और इस दीक्षाभूमि पर 1956 में बाबा साहब ने 5 लाख से ज़्यादा लोगों को दीक्षा दी थी, बुद्ध धम्म की दीक्षा दी थी, 22 प्रतिज्ञा दी थी. और उनको उनके पुराने जो धर्म था, जिसमें उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था मानव के रूप में, उनको यहाँ पर दीक्षा देकर उन्हें खुद मानव होने की एक पहचान दिलाई. उन्हें बताया कि तुम मानव हो और मानव ने अपने आप को पंचशील का पालन करके अच्छे इंसान के तौर पर स्थापित करना है और दूसरों को भी बताना है कि हम इंसान हैं, हमारे साथ में इंसानों की तरह व्यवहार किया जाए. इसलिए यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो डिसिप्लिन में रहना चाहिए, उन्होंने पंचशील का पालन हर समय करना चाहिए और लोगों पर एक लोगों के लिए एक मैसेज हमारे लोगों की तरफ से पहुंचना चाहिए कि देखो हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम पंचशील का पालन करने वाले लोग हैं और इसलिए हम अच्छे इंसान हैं और हम मानवता को मानते हैं, इंसानियत को मानते हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में सुख पा सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं और देश का भी विकास कर सकते हैं.